हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये वैलेंटाइन डे मेकअप लुक, और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। इस मेकअप लुक को आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का मेकअप लुक कैसा लगा। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है। तो यहां पर मैं सबसे पहले लगाने जा रही हूं मॉइस्चराइजर। मेकअप से पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज जरूर करें, इससे आपका मेकअप भी अच्छा दिखता है और आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप कोई अफोर्डेबल प्राइमर ढूंढ रहे हो तो हुडा ब्यूटी का ये फेस प्राइमर काफी अच्छा है, इसे भी आप ले सकते हो। ये 60 या 70 रुपीस के प्राइस में आपको इजीली नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा। तो काफी अच्छा प्राइमर है, आपके पोर्स को तो मिनिमाइज नहीं करता है, लेकिन हाँ, एक स्मूथ बेस जरूर दे देता है आपको मेकअप के लिए। तो अच्छा प्राइमर है। तो ये देखिए, मैं प्राइमर लगा रही हूं यहां पर। आज के इस मेकअप लुक की खास बात यह है दोस्तों कि आज जो मैं मेकअप लुक करने जा रही हूँ, ये मैं करने जा रही हूँ व्हाइट टोन क्रीम की हेल्प से। तो काफी अच्छी लगी है मुझे क्रीम ये, और एक दो बार मैंने इसे यूज भी किया है तो मुझे अच्छी लगी है। और डेली के लिए अगर आप कोई भी क्रीम ढूंढ रहे हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, तो आप डेली में इस क्रीम को यूज कर सकती हैं। तो काफी अच्छी क्रीम है ये, और ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ही आती है, सभी चीजें इसके पर मेंशन की हुई हैं। और ये मुझे मिल गई थी 48 रुपीज के प्राइस में मुझे मिली थी। तो अफोर्डेबल क्रीम है और डेली के लिए बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है। और इसकी खुशबू सेम ऐसी ही है जैसे व्हाइट टोन टेलकम पाउडर की होती है, और इसे मैं फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छी क्रीम है, इजिली हाथों से भी ब्लेंड हो जाती है ये। ये क्रीम आपके डार्क स्पॉट तो हाइड नहीं करती है, डार्क सर्कल वगैरह को हाइड नहीं करती है, लेकिन हाँ, आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छी ब्राइटनेस देती है और आपकी स्किन को भी हाइड्रेट रखती है। तो काफी अच्छी क्रीम है ये। और नेक्स्ट, मैं अपनी आईज को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए यहां पर मैं लगा रही हूं मैक का कंसीलर, ताकि इससे मेरे जो हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स हैं वो भी हाइड हो जाएंगे। आप इसे भी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर सकते हो, नहीं तो आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, मैं अपनी क्रीम को थोड़ा सेट करने के लिए और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहां पर ले रही हूं वाइल्ड स्टोन अल्ट्रा सेंसेशनल, ये टेलकम पाउडर ले रही हूं। और ये स्मॉल सी क्यूट सी इस तरह की कंटेनर में आती है, प्लास्टिक कंटेनर में, और आप देख सकते हो। और गाइस, ये मुझे मिला था 10 रुपीज के प्राइस में। तो इसे मैं जस्ट थोड़ा सा अपने हाथ पर लूंगी और इसे अपना कंसीलर सेट कर लूंगी। जरूरी नहीं है कि आपने महंगे महंगे पाउडर ही इस्तेमाल करने हैं, आपके पास जो भी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाए वो यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इसे सेट कर लिया है। नेक्स्ट गाइस, मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी इस स्विस ब्यूटी के आईब्रो पाउडर की हेल्प से। आप चाहें तो कोई भी आईब्रो पाउडर यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मार्केट में आपको 5 या 10 रुपीज के प्राइस में कोई भी आईब्रो पेंसिल मिल जाएगी, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। वैसे ये क्रीम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है गाइस, क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन पर एक बहुत ही अच्छा पिंकिश सा ग्लो देती है। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, इंस्टेंट ब्राइटनेस भी देती है आपकी स्किन में। तो ये क्रीम काफी अच्छी है, डेली में आप इसे यूज करना चाहते तो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोबारा से आईज मेकअप की तरह। तो मैं यहां पर ले रही हूं ये टेपर ब्रश ले रही हूं, और इसकी हेल्प से मैं अपनी क्रीज लाइन पर आई शेडो ब्लेंड करूंगी। तो चलिए, यहां पर मैं यूज कर रही हूं हिलेरी रहूजा का ये पैलेट, और इसकी हेल्प से मैं लूंगी सबसे पहले ये पिंक कलर का शेड लूंगी, और इसे इस तरीके से मैं ब्लेंड कर लूंगी अपनी क्रीज लाइन पर। देख सकते हो फ्रेंड्स कि कितना पिगमेंटेड है ये शेड्स, और काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है ये पैलेट। और जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी क्रीज लाइन नजर आती है। नेक्स्ट गाइस, आप देख सकते हो कि मेरी ड्रेस में ये लाइट ब्लू सा शेड है, थोड़ा ग्रे सा शेड है ये, और इसी सेम पैलेट से मैं ये ब्लू कलर का शेड लूंगी, और एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूंगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, मैं इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी।
बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूं मैं इसे। तो ये देखिए, आप देख सकते हो ये शेड मेरी इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच जा रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड मैं यहां पर करने जा रही हूं स्मॉल फ्लैट ब्रश और कंसीलर की हेल्प से अपनी हाफ आईलिड पर कट क्रीज बनाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट गाइस, मैं यहां पर ले रही हूं मार्स शिमर आई शेडो पैलेट से ये ब्लू कलर का शेड लूंगी और इसे अपनी फिंगर टिप की हेल्प से मैं जहां पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहां इसे मैं लगा लूंगी। तो आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है इसके शेड्स। आप देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए, नेक्स्ट मैंने हिलेरी रूडा के पैलेट से पिंक कलर का शेड लिया था, अपनी क्रीज लाइन पर लगाया था, तो उसे मैं अगेन एक बार और लूंगी और एक बार और मैं अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से इस तरीके से उभार लूंगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहां पर लगा रही हूं लैक्मे का आईलाइनर। आईलाइनर को आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, अगर आप नॉर्मल सा आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट मैं यहां पर लगा रही हूं मेबेलिन का काजल। नेक्स्ट गाइस, मैं लोअर लैश लाइन पर भी यही पिंक कलर का शेड लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं यहां पर लगा रही हूं मस्कारा और फ्रेंड्स यहां पर मैं फेक आईलैशेस भी लगाऊंगी। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मस्कारा से काम चला सकते हैं। वैसे भी मेबेलिन का मस्कारा बहुत ज्यादा अच्छा है जो आपकी लैशेस को बहुत अच्छी वॉल्यूम भी देता है। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कंटूर कर रही हूं और यहां पर मैं कर रही हूं जैकलिन हिल पैलेट से डार्क ब्राउन कलर के शेड से मैं अपने फेस को कंटूर कर लूंगी। नेक्स्ट मैं लगा रही हूं स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से ब्लश और मैं पिंक कलर का ही ब्लश अप्लाई करूंगी, इसमें से मैं ये वाला शेड लूंगी। नेक्स्ट मैं लगा रही हूं सेम पैलेट से ये हाइलाइटर। नेक्स्ट दोस्तों मैं लगा रही हूं यहां पर हुडा ब्यूटी की ये 2-in-1 लिपस्टिक है और इसे आप लिपस्टिक की तरह भी लगा सकते हो, आई शेडो की तरह भी लगा सकते हो और इसमें जो आप ये शिमर आई शेडो देख रहे हो इसमें से मैं ये शेड लूंगी और एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपनी आईब्रोज पर लगा लूंगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूं। तो ये देखिए, मैंने फेक आईलैशेस भी लगा ली हैं और अब मैं मेकअप फिक्सर लगा लेती हूँ अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।